नमस्कार, स्वागत है आपका एस सी आर एजुकेशन पे। जिस बातचीत का हिस्सा आप देखने वाले हैं वो है हमारी एमआई टॉपर्स के साथ बातचीत, और हमने ये जानने की कोशिश की है कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी है, किस तरीके से उन्होंने अपने एग्ज़ाम के दौरान फेलियर्स को जो है वो पीछे छोड़ने की जो है कोशिश की, और वो इस सफल कोशिश में जो है किस तरीके से कामयाब हुए। कई सारे सवाल मैंने उनसे पूछे हैं। ये इंट्रैक्शन आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये जानने के लिए कि एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन में किस तरह के चेंजेस करता है और किन किन सिचुएशन से होके गुजरता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ कि अगले सेशन के लिए नए कंप्लीट कोर्सेज 3 महीने के शुरू हो गए हैं अन अकेडमी पे, जिसमें कि आप पेपर वन और कॉमर्स मुझसे पढ़ पाएंगे। पेपर वन की क्लास रोज़ शाम को 6 बजे आएगी और पेपर जो है टू कॉमर्स की क्लास रोज़ सुबह 11 बजे आएगी। 1.5 घंटे की क्लासेस लगातार 3 महीने आप रोज़ चलने वाली हैं, तो कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 1 दिसंबर से कोर्स शुरू हो रहा है। टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी इसका लिंक दे दिया है, और आपको मुझे अन अकेडमी की प्रोफाइल पर फॉलो कर लेना है तो वहाँ पर भी आपको एक कोर्स मिल जाएगा। फिलहाल अन अकेडमी अपने सब्सक्रिप्शन पे 25% प्राइजेस को कम कर रही है, जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। अदरवाइज सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस कुछ 11,484 के आसपास होते हैं 6 महीने के, जो कि अभी आई थिंक आपको 9,000 रुपये मिल जाएगा अगर आप कोड SERYT लगाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेना आप कंसिडर कर सकते हैं। रिव्यू को अच्छे से देखिएगा, उससे अगर कोई सीख मिले तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर आपने अभी भी आप बैचेस में नहीं है तो ज़रूर आ जाइए, क्योंकि अगले 3 महीने आप शुरू हो रहे हैं और दिसंबर से हम तैयारी करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। शुक्रिया। हमारे साथ है रोहित। रोहित का किस तरह का सफ़र रहा, उन्होंने लॉ से किस तरीके से JRF किया है, और जानेंगे उनसे कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करी अन अकेडमी पे और सेल्फ स्टडी, और उनके खासकर जो फेमस नोट्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी प्रिपरेशन को शेप अप किया है और पिछले कुछ समय में किस तरीके से तैयारी की है। हेलो रोहित, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। सर रिलीफ फील कर रहे हो फाइनली? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी मैं जानता हूं कि तुमने मल्टीपल एग्जाम क्लियर किए हैं, तो ये तो नहीं है कि ये कोई एक नई फीलिंग है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम इससे पहले निकाले हैं। तो ओवरऑल घर वाले खुश हैं या बताया है सबको रिजल्ट? सर घर वाले ज्यादा खुश हैं, मुझे सर ऐसा कोई खास ऐसा कोई फील नहीं आ रहा है। ये मुझे लगा भी था, तभी मैंने पूछा कि ये फर्स्ट टाइम फीलिंग तो नहीं है तुम्हारे लिए, तो ओवरऑल ठीक है, सब मामला रिलैक्स्ड है आपको? सर सब कुछ पता लग ही जाता है जहां तक एक, क्योंकि कई रिजल्ट जिसके आ चुके होते हैं, जिसने इसके बराबर के कई एग्जाम क्लियर किए हैं, तो वो बहुत भयंकर ओवरवेलम तो नहीं होगा, स्टेबल ही रहेगा जहां तक अपने रिएक्शन में। जी सर। कैसा रहा इस बार का सफर, या मैं कहूं कि ऑलमोस्ट हम इतने समय से जो ट्राई कर रहे थे वो फाइनली मिलने पे? सर मेरे अकॉर्डिंग इस बार का जो पेपर था सर, मुझे यूं नहीं लगा कि मैं UGC नेट का एग्जाम देने जा रहा हूँ। सर जब पेपर वन मैंने देखा, सर पेपर वन मैंने आपसे जैसे 2020 में आपसे मैं जुड़ा था, तब से मैंने पेपर वन आपसे पढ़ा। सर उस टाइम कुछ पता नहीं था कि कैसे जाऊं क्या करूं। मेरी सिस्टर है, उन्होंने कर रखा है इंग्लिश से नेट, तो उन्होंने आपका सजेस्ट करा कि आपको वहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मिल जाएगी, अगर आपको रटना है तो आप अदर एजुकेटर्स के पास जा सकते हैं। तो सर मैंने जैसे क्लासे करी तो शुरू में सर बिल्कुल समझ नहीं आता था, बिकॉज सर एज ए लॉ स्टूडेंट हमें सर लॉ तो आता है, लेकिन सर जब रीजनिंग की बात आई, मैथ्स की बात आई, तो सर हमारे लिए वो सबसे चैलेंजिंग था। तो सर मैं जैसे आपसे 2-4 लेक्चर लिए, तो उनमें जैसे आप बोलते रहते थे कि आप किसी टीचर को जज मत करो, वो यहाँ पढ़ाने आ रहा है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो आप 4-5 दिन आके आप कैसे जज कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, उनके पास जो नॉलेज है। तो सर मैं जुड़ा रहा। अब सर जैसे कहते हैं ना कि मतलब जौहरी को हीरे की परख होती है, सर मैं वो नोट्स बनाता गया, मुझे समझ नहीं आता था इतना सर, ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग। तो सर मैं उसको नोट डाउन कर लेता था अपनी लैंग्वेज में। फिर सर धीरे 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 20-30 क्लासे करी, और सर आपका मैंने फर्स्ट टाइम क्रैश कोर्स किया था जो आपने टॉपिक वाइज लॉन्च किया था। और सर मैं आज भी मतलब मुझसे कोई पूछता है, मैं सर वो कोर्स सबको सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज सर वो जो 40 क्लासे हैं, अगर कोई बंदा उनको भी ढंग से कर ले तो पेपर वन सर मोर देन इनफ है, आपने इतना करवा रखा है। तो सर मैंने वो किया, धीरे धीरे आपसे जैसे गाइडेंस लेता गया, तो पेपर वन में सर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन आप जैसे बोलते थे कि रोहित मॉक पे मत जाओ, आप सिर्फ ट्राई करिए, आप मॉक्स बस ज्यादा से ज्यादा दो। सर अच्छा स्कोर नहीं रहता था मॉक्स में, 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन इतना ही रहता था, लेकिन सर जब एग्जाम करके आया तो सर उसमें मेरे फर्स्ट टाइम 32 क्वेश्चन सही थे। वो सर मेरे लिए सबसे बड़ी मतलब अचीवमेंट थी, बिकॉज सर लॉ में जैसे ऊपर विद ब्लेसिंग ऑफ गॉड या सर लॉ में मेरा बेस क्लियर था जब से सर मैं आपसे जुड़ा हूँ तभी से। और सर मुझे अभी तक जैसे लॉ में आने के बाद सर कभी सेकंड रैंक नहीं देखी है मैंने,
सर कॉलेज एजुकेशन में मेरा जैसे मैंने एलएलबी करा, फर्स्ट रैंक था, एलएलएम मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से करा, वहां भी सर रैंक था। और सर आप ही से पढ़ने के बाद, बिकॉज सर सब्जेक्ट पे कमांड थी, पेपर वन नहीं था, और उसके बिना सर नेट हो ही नहीं सकता। ये बात तो है। और कई बार मैंने देखा है कि मैंने पिछले अपने इंटरव्यू में भी यही बात पूछी थी, आकांक्षा थी सोशियोलॉजी से, तो मैंने जी आकांक्षा सर, से यही बात कही थी कि बहुत सारे लोग जो मैं देखता हूँ लॉ से, ज्योग्राफी से, सोशियोलॉजी से, उन लोगों को पेपर वन में खासी दिक्कत होती है, बिकॉज वो अपने सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट होते हैं और थोड़ा अडेप्ट जी करने में आती है, लेकिन उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, तो नॉलेज तो खूब है उनके पास। ओवरऑल अपना इस बार क्या स्कोर रहा है पेपर वन में और पेपर टू में मिला के? सर, पेपर वन में सर मेरा रहा है 56, जो कि सर मेरा प्रीवियस नॉलेज था, मैंने उसी से बिल्ड किया। मैंने सर कोई खास नहीं पढ़ा, आपने क्लासों में भी मुझे नहीं देखा होगा। सर जो नोट्स बनाए थे वो सर मुझे इतने हेल्पफुल रहे, मैंने सर विदिन 12 आवर्स में मेरा पूरा पेपर वन कवर कर लिया था। सर जैसे कि आप फैलेसीज बताते हैं, सर ऐसे फैलेसीज हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन सर आपके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो सर उन एग्जाम्पल्स को मैंने डिटो लिख रखा था, वहां डिटो क्वेश्चंस थे। तो पेपर तो वन की ये सर मेरी 56 रहे पेपर वन में और पेपर जी, टू में? और सर पेपर टू में सर मेरे 168 सर 168, बहुत तगड़ा स्कोर है, जी, बहुत सर बढ़िया। 81 क्वेश्चन सही है मेरे। क्या बात है, 81 क्वेश्चन ठीक है, तो बेसिकली 162 हो गए, जी 162 जो है वो इसमें रहे हैं और 56 उसमें रहे हैं, ठीक जी है। तो तो सर 218 हुआ है 81 सर। लॉ के पेपर में 100 में से जी सर, मेरे ख्याल से तो हाईएस्ट होंगे ओवरऑल जितने भी लोगों के एग्जाम है अभी दिया है। 81 तो शायद बहुत कम मिलेगा सर एक मुझे लाख। यूं नहीं लगा, सर मुझे यूं नहीं लगा मैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने आया हूँ। सर मुझे यूं लग रहा था कि बेसिकली मैं मतलब कोई एलएलबी का या एलएलएम का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ। और सर धीरे धीरे जैसे आपने बोला था कि आपको पता नहीं लगता, आप नॉलेज को बिल्ड करते हैं। आप सर जब स्टार्टिंग में पढ़ने बैठे थे तो सिलेबस कवर करने की टेंशन रहती थी, अब सर जैसे मेरा पीएचडी भी एंट्रेंस क्लियर हो गया था, मेरा पीएचडी भी चल रहा था, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी, तो सर उसको पढ़ाने से मुझे सर इतनी क्लियरिटी आई प्रैक्टिकली कि मुझे जैसे सर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सर मैंने जैसे मेरे स्टूडेंट्स को पुट कर लिया, और सर मैंने वहां डायग्राम बना लिया, जो मुझे रफ सीट मिली मैंने वहां पर डायग्राम बनाया और मैंने लिख के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये काफी एक सही चीज है कि और ओवरऑल सर एक्सपीरियंस हेल्प कर गया। जी इस बार की तो मैंने नहीं देखा क्लासेस में अभी, इस बार तो बिना लगभग तैयारी के ही पेपर दिया होगा, जी प्रीवियस सर, तैयारी के सर बेस सर पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर आई प्रिपेयर्ड फॉर 5 डेज ओनली, लेकिन सर मैंने 5 दिन जो तैयारी करी थी उसमें सर मैंने 12-13 घंटे तैयारी करी, और उससे जस्ट पहले सर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर, तो सर मेरा जो वो नॉलेज था जस्ट मैं एग्जाम दे के ही हटा था। तो सर प्रिपरेशन तो थी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, और पहले का नॉलेज और मिलके सर हो गया। बहुत बढ़िया, ये तो एक अच्छी चीज है कि जिन नोट्स की तुम बात कर रहे हो, कम से कम 10 क्लासेस में तो मैं लोगों को समझा चुका हूँ तुम्हारे नोट्स दिखा के कि ऐसे लिखते हैं, ऐसे नोट्स बनाते हैं, एक एक चीज जो है वो तुम्हारे ही नोट्स के साथ सिखाई जाती है, तो सर फाइनली ऑनेस्टली नोट्स की स्पीकिंग इम्पोर्टेंस मुझे पे सर बात नहीं नहीं हुई आइडिया, एक नोट्स की इम्पोर्टेंस पे बात करने के लिए, तुमसे बेहतरीन बंदा मुझे नहीं मिलेगा। तो अगला सवाल ही यही है कि नोट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, बताओ। सर नोट्स की जैसे सर मतलब डायलॉग तो नहीं होगा, जैसे कहते हैं कि कोई योद्धा अगर किसी रण में लड़ने जाता है जब वो, तो सर वो अपनी तलवार को बहुत अच्छे से शार्प करता है, तो सर नोट्स को ही आपको हेल्प करते हैं। आपके नोट्स जितने अच्छे होते हैं सर, नोट्स में ये होता है जैसे हमारा माइंड, आपने जैसे हमें पढ़ाया तो सर माइंड नॉलेज कैसे कैच करता है, लेयर्स है, आपने जो बोला वो डायरेक्टली मेरे माइंड में नहीं हो सकता, तो सर जब आप बोलते हैं मैं उसको देखता हूँ विजुअली, मैं उसको ऑडियो से सुनता हूँ, और जब मैं लिखता हूँ तो सर वो ऑटोमेटिकली मैं उसको बाकी लोगों से ज्यादा रिटेन कर जाता हूँ, जब मुझे पता ही नहीं चलता। सर जब हम याद करने बैठते हैं तो हमें माइंड में रहता है मुझे ये याद करना है, लेकिन सर जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें ये नहीं रहता, और सर वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वो चीजें एग्जाम में हेल्प करती है। जब वो फियर रहता है, वो बर्डन रहता है, तब सर आपका लिखा हुआ वहां याद आ जाता है कि और ये हाँ भी मैंने याद आ वहां जाता है कभी कभी कि कहाँ कौन सा लिखा था और कौन से कॉर्नर पे क्या चीज लिखी है, ये होता है बिल्कुल, क्योंकि माइंड मैपिंग है और वो अगर अच्छे से होती है तो चीजें याद आती हैं। और सर नोट्स बनाने के लिए सर आपने एक यूट्यूब पे आपके चैनल पे वीडियो बना रखा कि नोट्स कैसे बनाएं,
सर वो हाँ मैंने उसका, सर मैंने उसका हेल्प लिया था, मैं बनाता था सर अच्छे से नोट्स काफी, लेकिन अच्छे से सर उससे मैं सम अप कर पाया था, काफी हेल्पफुल है। बच्चे देखते हैं नहीं देखते मुझे नहीं पता, बाकी सर आपके चैनल पे सारे जो वीडियोस हैं वो सर पढ़ने वाले के लिए इतने मोर देन सफिशियंट है। अगर कोई पर्सन प्लस का उसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी सर वो प्रिपेयर कर सकता है अच्छे से। ये चीज है कि मैंने जब वीडियो बनाया नोट्स कैसे बनाते हैं और रोहित ने वहां से जी सीख लिया, तो उसके बाद रोहित के नोट्स मेरा रेफरेंस पॉइंट बन गए कि ये नोट्स ऐसे बनाते हैं। तो यूजुअली मैं वीडियो तक पे भी नहीं जाता आजकल, ये एक टीचिंग के तुम्हारे भेजे हुए नोट्स हैं मेरे पास, तो वो आज तक कम से कम नहीं तो मैं मानूं 1,000 लोगों के आसपास मैंने लोगों को फॉरवर्ड किए हैं जो रोहित का वो लगा हुआ है वाटरमार्क, और कम से कम 1,000 लोगों के पास वो आज चले गए होंगे, और न जाने कितनी वीडियोस में उसको हमने दिखाया कि भाई किस तरीके से आपको बनाने। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 लॉ है और उसमें मैंने देखा है कि तुम हमेशा से मतलब डूबे ही रहते हो कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को बहुत वैल्यू करते हैं लॉ वाले लोग भी, तो पेपर 2 पेपर 1 को कैसे जेल कर सकते हैं एक साथ तैयारी में? सर जो मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, सर जो मेरी पेपर 2 की सब्जेक्ट की मैं पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो लॉ के देख रहे भी होंगे। तो सर जैसे 10 यूनिट्स है, अब सर मैं 10 के 10 यूनिट्स में मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता, एज ए ह्यूमन बींग सर पॉसिबल नहीं है। हो सकता है सर 10 साल बाद मैं हो जाऊं, लेकिन आज मैं एज ए स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो सर मैंने उन यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स है। जैसे सर मेरे LLM में स्पेशलाइजेशन था टोर्ट्स एंड क्राइम, और सर ये दोनों मेरे UGC NET में यूनिट्स है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी मेरा यूनिट है, लॉ ऑफ क्राइम्स भी मेरा यूनिट है। तो सर जब मैं PG में एंटर हुआ था तो मैंने नेट के सिलेबस को देख लिया था, और सर मैंने उसी दिन हिट कर लिया था मेरा स्पेशलाइजेशन है। मुझे इन केस इंटरव्यू में मुझे पूछ लिया जाए, मुझे कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए, मुझे ये तो पूछा जाएगा ना कि आपने उस स्पेशलाइजेशन में किया, आप इसके बारे में बताओ। तो सर मैंने उसी टाइम से उस सब्जेक्ट को इतना अच्छे से पढ़ा कि सर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सर उन यूनिट्स में मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वो सर स्ट्रेंथ बन गई। फिर सर आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आपने बोला कि टीचर वो नहीं है जो पढ़ाता है कि इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। अब सर आपने पेपर 1 में भी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था हमने, धीरे धीरे पढ़ते 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 सर बढ़िया। चीजें बढ़िया लगने लग जाती है। तो सर ऐसे ही मैंने मेरे यूनिट्स को, जैसे लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब सर एज ए इंडियन सिटीजन चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से डील करते हैं, सोशियोलॉजी हो, ह्यूमैनिटीज हो, कुछ भी आप डील करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको सबको पढ़ना चाहिए। तो सर मैं उसको उस नजरिए से पढ़ता हूँ कि एज ए मतलब इंडियन सिटीजन मेरे पास क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, व्हाट आर माय ड्यूटीज, व्हाट आर माय एक सर्टेन ऑब्लिगेशंस, ये इंटरेस्ट तो के सर साथ। समझ गए। तो सर मैं उसको उतना प्रैक्टिकल करके पढ़ लेता हूँ कि मुझे एग्जाम में फिर दिक्कत नहीं आती। जैसे सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक हेड है कि जो इलेक्शंस को लेकर, तो सर इलेक्शन हमारा राइट टू वोट सबका है, उस चीज को सर हमें सबको पढ़ना चाहिए, एज ए सही बात UGC है। नेट के हाँ, लिए पढ़ना चाहिए, एज अवेयर ए सिटीजन के इंडियन तौर पे। सिटीजन पढ़ना है। तो सर मैंने ऐसे ही पर्सनल लॉ पे आता हूँ, हमारा यूनिट है पर्सनल लॉ। तो सर पर्सनल लॉ अब जैसे शादी, तलाक होना, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीजें सर हम अपने आसपास देखते हैं। तो सर मैंने मेरे सब्जेक्ट को इस तरीके से बिल्ड किया, मेरी फैमिली रिलेटिव में किसी का डाइवोर्स हो रहा है तो मैं मेरी सेक्शंस को लगा देता हूँ। कई बार घर वाले बोलते हैं कि तू तेरी वकालत साइड में रख, सही बात है ये। अपने लेकिन सब्जेक्ट सर को उनको जीना मतलब एक पढ़ा। तरीके से, जी सर, और पेपर 1 को कैसे मिक्स किया इसके साथ, फिर टाइम कैसे डील होता है? पेपर 1 को सर जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मेरा पेपर 1 वीक था, तो सर जैसे सुबह माइंड फ्रेश रहता है, तो मैंने सर स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपेयर करा तो सर मैंने सबसे पहले पेपर 1 को ये टाइम डिसाइड कर दिया, डेट ऊपर डाल दी कि भगवान मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इसको कर पाऊं। सर मतलब सही मैं कहीं बात ना है। कहीं ये मानता हूँ कि सर जो स्पिरिचुअलिटी है ये आपकी सर बहुत मदद करती है, क्योंकि सर ये जो सोशल मीडिया का दौर है और ये सब चीजें हैं, तो इनमें सर पॉजिटिव रह पाना, सर मोटिवेशन आप ही से सीखा कुछ होता ही नहीं है, सही नथिंग इज बात मोटिवेशन। मैंने किसी का वीडियो देख लिया, वो चीजें नहीं है मेरी लाइफ में। आज जो प्रॉब्लम्स है उनको सर वो रिमूव कैसे होंगी जब मैं वर्क बिल्कुल। करूंगा। तो सर मैंने ये चीज, आपने जो वर्ड्स बोले थे सर, एक एक वर्ड याद है और वो लाइफ लॉन्ग काम आते रहते हैं। बढ़िया। होने को सर आपने सर शायद किसी क्लास में नॉर्मली बोला होगा, लेकिन सर कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे सर मैं बहुत ज्यादा आपको क्लासों में नहीं दिखता, लेकिन सर आई नोट डाउन दैट थिंग आपकी क्लास में, सर मैंने उस चीज को भी लिख रखा है कि ये चीज मुझे गांठ बांध के रखनी है। तो सर मेरी ये हेल्प रही कि मैंने वो चीज, फिर मैंने टास्क लिख दिया कि मैं सुबह उठ के 2 घंटे पेपर 1 पढ़ूंगा,
चाहे मुझे समझ आए चाहे मुझे नहीं आए, इट डजेंट मैटर। और मैंने सर मतलब आपकी जो क्लासे थी वो मैंने कंप्लीट करी, क्योंकि सर एक रूटीन पे फॉलो कर पाना, सर 10 दिन में पढ़ सकता हूँ, 5 दिन में पढ़ सकता हूँ, किसी को मैंने चैलेंज दे दिया तो पढ़ सकता हूँ, लेकिन सर उसी चीज को रेगुलरली 2-3 महीने पढ़ना एक स्टूडेंट के लिए बड़ा बिल्कुल टास्क रहता है। तो सर मेरे को स्पिरिचुअलिटी में मैं बिलीव करता हूँ, सर मुझे उसमें बहुत बेनिफिट मिला है। ये एक अच्छी चीज है कि पीस ऑफ माइंड हमको अगर किसी चीज से मिलता है तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। जी सर, ओवरऑल जो फेलियर्स भी आए बीच में अगर एग्जाम को लेके, और जो एक सबसे बड़ा इशू है कि अभी बहुत बच्चे शायद वो भी होंगे जिनके पेपर पास नहीं हुए हैं बहुत समय से, तो उसके लिए वेट करना, कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट देना, ये कैसा अनुभव रहा? इसमें किस तरीके से खुद को संभाला कि कभी अगर मान लो, क्योंकि मेरे को पता है कि साइड बाय साइड तुमको और पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, वो शायद हर किसी को नहीं मिलते, तो वो जी बैकअप सर, सबके पास नहीं है, लेकिन कैसे ओवरऑल डील किया? सर मैंने मैंने सर मेरे सराउंडिंग्स में काफी बच्चों को देखा सर, जैसे मेरे कुछ टीचर्स भी रहे हैं, मैं उनके आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो सर उन लोगों का नेट क्लियर नहीं हो रहा था, तो सर तब से माइंड में था कि नेट क्या चीज है ऐसी कि जो होती नहीं है, कोई 10 साल से प्रिपेयर कर रहा है तो सर नहीं होता था। आपसे सर जब मिला तो सर चीजें समझ में आई कि हर कोई कर सकता है बिल्कुल ये चीज। सर उससे पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने स्टार्टिंग में बात बोली कि जोरी को हीरे की परख होती है। अब सर नोट्स बनाना मेरे लिए सर वो एक साधारण सी चीज है, मुझे नहीं पता सर मेरे नोट्स अच्छे हैं, लेकिन सर आपको उसमें दिखा कि वो अच्छे हैं, सर मुझे बिल्कुल आज भी नहीं दिखता कि मेरे नोट्स अच्छे हैं। वो बेस्ट तो है। सर जो आपका सवाल था मैं उससे नहीं गुमराह होना चाहता, आपने पूछा कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे सर उनको मैं मतलब एज एन मैसेज मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो कमियां करी सर, मैंने जैसे जुडिशरी में भी मैंने 2018 में एग्जाम दिया था, मेरा सर 1 नंबर से प्री रहा था, उसके बाद सर मैंने जुडिशरी का एग्जाम नहीं दिया है। और सर वो एक ऐसा दिन था कि सर लोगों से ये सुनना पड़ा कि कॉलेज में बड़ा रैंकर है और जुडिशरी का प्री एग्जाम ही नहीं निकलता। और सर आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट स्टडीज, बहुत ही सर जैसे लड़के होते हैं बिंदास एकदम कॉलेज में रहना, हाँ सर मैं पढ़ने वाला था लेकिन इतना नहीं था। तो सर वो चीज मुझे पिन करती थी, उसके बाद में मुझे पढ़ाना हमेशा से अच्छा लगता है, तो मैंने प्रिपेयर किया। और कुछ ना कुछ सर आपके पास होना चाहिए जो फायर आपको हमेशा बर्न करे आपके अंदर, वो आप हमेशा रहनी चाहिए। तो जिन बच्चों का नहीं हो रहा आप ये याद करो आपका जो भी मकसद है आपको वो फुलफिल करना ही है। अब रही बात सर मैं किसी भी पेपर को देकर आता हूँ तो बच्चे सर डरते हैं इवन आंसर की मिलाने से भी, मैंने ये चीज नोट करी है सर। और सर ये मतलब डरते हैं सर देखने से पहले, तो मेरा सर जो है मैं डरता नहीं हूँ, मुझे ये पता है मैं एग्जाम देकर आया हूँ, मुझे जो मिलेगा वो अब बदल नहीं सकता। तो सर जो मैंने गलतियां करी सर, मैं उसी दिन एग्जाम आते ही मुझे घर वाले बोलते पागल है तू, क्योंकि सर मैं एग्जाम से आते ही सर मैं किताबें खोल के बैठ जाता हूँ, ये अब देखने के इतना लिए क्या सिलेबस किया है क्या कहाँ नहीं। कहाँ तो मुझे सर याद रहता है कि वो क्वेश्चन आया था, तो सर मैं उसी टाइम मैच कर लेता हूँ, उसको नोट डाउन कर लेता हूँ मैंने ये गलती करी थी। और सर जब मेरा 2020 में नेट हुआ था तो सर आपको पता है कि मेरा 62% था, तब भी मैंने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया था, तो सर मेरा उस टाइम भी 2% से मार्क्स मतलब जेआरएफ रहा था। सर वो चीज पिन करती थी हमेशा कि अब शायद उस लेवल की तैयारी कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, लेकिन आपने एक ऑडियो मैसेज भेजा था कि रोल मतलब अब नॉलेज बिल्ड करने के लिए पढ़ना, सही बात है, एग्जाम बिल्कुल क्लियर करने के लिए मत पढ़ना। और सर आपका वो वीडियो मतलब हमेशा अभी ऑडियो है मेरे पास, वो सेव है। और सर मुझे जब भी कभी मैं डाउन फील करता हूँ तो सर मैं मुझे उसे सुनकर, और सर आज जो भी बढ़िया। हूँ तो वो सर वो ऑडियो रियली अमेजिंग। आपने ये बोला था कि आप एग्जामिनर का टेस्ट लेने जाएं, और एक्चुअली तुमने पेपर 2 में ये किया है। आई आई गॉट गूज़बम्प्स इस चीज को सोच के कि 81 पेपर 2 जी में, सर अब विच इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद ये टॉप 5 में है ऑल ओवर इंडिया जिसने 100 में से 81 जो है जी पेपर टू सर में किए हैं, और ये इजीली है। एक चीज लास्ट में मैं ये कहूंगा कि जो ओवरऑल मैंने तैयारी देखी है बहुत सारे लोगों की, तरीका देखा है तैयारी करने का, कभी कभी क्या होता है कि एक टीचर नर्वस होता है अपने स्टूडेंट को लेके कि उसका पेपर निकलेगा या वो कैसे कुछ अचीव करेगा। तो मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट जरूर रहे हैं जिनमें से तुम एक हो, कि मैं ना नर्वस नहीं हूं, मुझको ये पता है कि ये तो कुछ ना कुछ आराम से कर लेगा, और 101% मेरे को जीरो कंसर्न रहा है इस चीज को लेके कि
मेरे को बहुत बच्चों के बारे में कंसर्न रहता है कि इसको कहाँ मतलब कुछ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ये मेरे लिए एक बड़ी एक ऐसी चीज थी कि रोहित तो आराम से कहीं ना कहीं कुछ भी कर लेगा। रोहित पढ़ा सकता है, लिख सकता है, जुडिशरी के पेपर्स में है, यूजीसी नेट के पेपर्स में है, तो ये बंदा मल्टी टैलेंटेड है। कहीं कुछ नहीं तो सिंगिंग कर लेगा ये, और कुछ नहीं करेगा तो वहां भी कुछ ना कुछ निकाल लेगा। तो ये मेरे अंदर ना एक बहुत एक पीस ऑफ माइंड हमेशा से रहा है कि रोहित है तो रोहित तो कर लेगा, उसका कुछ ना कुछ तो आराम से होना ही है, वो कर ही रहा है, लगातार लगा रहता है। क्योंकि पढ़ाने के मामले में देखूं तो तुम लॉ पढ़ा भी रहे हो, तो अपने चैनल पे मेहनत कर रहे हो, नेट से लेके कॉमर्स वाले जो हैं उनसे लेके लॉ तक का जो है सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो, लिख रहे हो, अच्छे नोट्स बना रहे हो, गाने भी जो है गा सकते हो बढ़िया तरीके से एकदम, तो सिंगिंग से लेके हर वो चीज है। तो बढ़िया है रोहित, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। तो और सबसे बढ़िया मुझे यही बात लगी कि फाइनली हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई और एक और जो फेदर है वो जुड़ गया कैप के अंदर। वेल डन, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए तो मुझे मतलब बहुत ही खुशी होगी अपने जो है जहां भी ये चैनल पे जाएगा कि फाइनली जो है कई सारे लोग जो तुम्हारे रिजल्ट को लेके वेट, क्योंकि तुम्हें बहुत लोग और भी जानते हैं, तो फाइनली जी सर, रोहित सर का जो रिजल्ट है वो सबको आपका प्यार मालूम है है। सर, ये आप ही ने सर फेमस कर रखा है, मुझे कम जानते हैं, नोट्स को ज्यादा जानते ये हैं नहीं, तुमको भी और तुमको भी सब जान जाएंगे। सो मेनी कंग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड।